कोटा सहित आसपास के 15 जिलों के विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी सौगात लेकर आया। प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कार्यालय का कोटा में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुभारंभ किया। उद्घाटन होने के साथ ही कोटा पासपोर्ट कार्यालय से पासपोर्ट जारी किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने पहला पासपोर्ट कोटा निवासी अभिषेक खिंची को सौंपा। इस दौरान टोंक सांसद सुखबीर सिंह चौनापुरिया के अलावा स्थानीय विधायकों चंद्रकांत मेघवाल, कल्पना देवी, संदीप शर्मा, अशोक डोगरा के साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने एक सभा को भी संबोधित किया और कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कोटा में प्रारंभ हुआ, जिससे पासपोर्ट बनाने और विदेश जाने का कोटा के लोगों का सपना सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, जिनकी संख्या बीते 9 सालों में 7 गुना बढ़कर 500 से ज्यादा पहुंच गई है। पूरे देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय आज कोटा में शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति जो विदेश जाना चाहते हैं वो एक मजदूर के नाते, लेबर के नाते, प्रोफेशनल के नाते या पढ़ाई के लिए, उन सब के लिए पासपोर्ट की सुविधा मिल जाए। और पासपोर्ट मिलने में जो देरी होती थी पहले के दिनों में, वो बिल्कुल कम हो जाए।